हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? तो जैसा आप लोगों ने बात करी थी कि हम लोग ये जो सीरीज है इसमें सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, मैट्रिक्स मैच, सारे तरह के प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। फर्स्ट ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन आगे आगे जो भी चैप्टर्स होते जाएंगे धीरे धीरे उसको भी हम लोग आगे करते जाएंगे, राइट? तो आज जो वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, राइट? तो पहला सवाल आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं और डायरेक्टली अब हम वीडियो पे आते हैं तो देख सकते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो आप इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ी देर पॉज कर लें, क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद फिर जब सवाल सॉल्व हो जाए तो फिर उसका आंसर या सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें बतलाई गई इसमें। तो पहली चीज देख सकते हैं कि m एक रियल नंबर दिया हुआ है और f एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, राइट? एंड हैज थ्री रियल रूट्स x1 x2 x3। तो इसके तीन रियल रूट्स दिए हुए हैं x1 x2 x3 और k क्या बोल रहा है? k डिनोट्स द वैल्यू ऑफ m, k इज द वैल्यू ऑफ m, राइट? m इज ऑलरेडी डिफाइंड हियर, राइट, जो कि कोफिशिएंट्स में भी आपको दिख रहा होगा। और k के बारे में बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच दिस एक्सप्रेशन इज मिनिमम। तो x1 x2 x3 आर द रूट्स। तो कैन वी फाइंड, फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड दिस एज मिनिमम, राइट? और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करते ही आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे ऑप्शन भी, साथ ही साथ ऑप्शन भी थोड़ा देख लेना चाहिए एक बार, तो आपको दिख जाएगा कि ये सब चीजें हमें एक एक बार चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि सब अलग अलग तरीके, जैसे साइन एक्स इक्वल टू के बोल दिया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बोल दिया, तो ये तो फिर भी चलो देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबली। तो राइट, तो हम लोग इस चीज में देख सकते हैं क्या कि सबसे पहले तो हमें इस पे ही अटैक करना पड़ेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर वाले टर्म पे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हमें इस पे अटैक करना पड़ेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर पे। तो लेट अस कैलकुलेट दिस टर्म, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। और ये टर्म कैलकुलेट करना इतना टफ जॉब नहीं है। अगर आपको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आता है तो वहां से आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी एंड ट्वाइस ऑफ सी ए। सो दिस इज गोइंग टू बी नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स सिग्मा के टर्म्स में लिख दे रहा हूं मैं x1 x2, राइट? x1 प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 x2 ट्वाइस x2 x3 ट्वाइस x3 x2। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखना, ये हो गया सम ऑफ रूट्स वाले टाइम। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में ये चीज डील की जाती है। अगर आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन अभी अगर याद नहीं है तो आप उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये याद रहता है क्योंकि बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो यहां देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स वन एट ए टाइम इज -3m/1। तो ये -3m का स्क्वायर दैट विल बिकम 9m2। और सिग्मा x1 x2 सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम, तो वो इससे आए, तो दैट दिस इज विथ माइनस दिस इज विथ प्लस। तो यहां माइनस है -3, तो -3 × -2 दैट इज गोइंग टू बी +6। तो ये तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, 9m2 + 6। तो अब ये क्या कह रहा था, मतलब हमें जो लग रहा था देख के डर कि ये कैसा एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा, तो ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक आ गया, इसमें m भी एब्सेंट है आज। तो हम लोगों ने k डिनोट्स द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच दिस इज मिनिमम। तो मिनिमम करने के लिए इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम m की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 0। और अगर आप m की वैल्यू 0 लेने वाले हैं तो बोल रहा है कि k डिनोट्स द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच दिस इज मिनिमम, यानी k इज स्ट्रेट अवे 0। तो यहां से हम लोग बॉम्बे वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, वो देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ k लाइज इन -1 से 1, तो दिस इज करेक्ट, बिकॉज यू कैन सी कि द वैल्यू 0 लाइज इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। द मिनिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दैट इज आई इक्वल टू 1, 2, 3, तो दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 6 है। तो आप देख सकते हैं जब m 0 लो गया तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दैट इज आल्सो 6। तो c इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द d ऑप्शन, आप देख सकते हो k 0 हो गया तो बोल रहा है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस, तो इक्वेशन क्या हो गई, sin x इक्वल टू 0, राइट? और sin x इक्वल टू 0 के अब यहां पे बच्चे क्या है, जल्दबाजी में गलती कभी कभी कर देते हैं कि दो ही रूट्स आएंगे, जबकि यहां पे एंड पॉइंट्स पे रूट्स रहेंगे। जैसे 0 पे भी रूट रहेगा, 2π पे रूट रहेगा और पाई पे भी रूट रहेगा, यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब ए ऑप्शन देखते हैं कि ए ऑप्शन क्या कहता है। ए ऑप्शन कहते हैं कि fx has 3 रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, तीनों के तीनों रूट्स रियल भी होंगे डिस्टिंक्ट भी होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू m फॉर व्हिच दिस इज मिनिमम, यानी m की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये मिनिमम है,
उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एफ एक्स है उसके तीन रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो चेक करना पड़ेगा हमें कि m की वैल्यू जैसे ही आपने जीरो रखी, व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल कम, यहां लिख देता हूं मैं, दिस इक्वेशन विल कम एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो क्यूबिक है, रूट्स के लिए तो थोड़ा सा हम लोग को कॉमन सेंस और वैल्यूज रख के देखना ही पड़ेगा। x इक्वल टू वन साफ साफ दिख रहा है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इज वेरी इजी क्यूबिक। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे x माइनस वन और दूसरा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स एंड माइनस टू। और इसके भी मुझे लग रहा है कि फैक्टर्स दिख रहे हैं मुझे, तो एक फैक्टर इसका हो जाएगा एक्स माइनस वन एंड द सेकेंड फैक्टर इज गोइंग टू बी एक्स प्लस टू, राइट। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि व्हाट आर द रूट्स, द रूट्स आर वन वन एंड टू, आर द रूट्स डिस्टिंक्ट, नो, तीन रियल रूट्स तो हैं बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि द ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग ऑप्शन। तो मल्टीपल करेक्ट में जनरली बच्चे फील करते हैं कि बहुत परेशानी होती है सर सॉल्व करते वक्त, तो एक्चुअली परेशानी इसलिए होती है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें हर एक पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, कभी कभी जल्दबाजी में जैसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अगर हम ये लास्ट ऑप्शन जो जानबूझ के रखा गया था लास्ट पे कि अगर आपने जल्दबाजी में जैसे जनरली होता है ना साइन एक्स इक्वल टू हाफ जीरो से टू पाई, तो जनरली फ्रेम ऑफ माइंड क्या रहता है कि जीरो से टू पाई में, जीरो से टू पाई में, जीरो से टू पाई में दो सॉल्यूशन आ रहे हैं साइन के, साइन एक्स इक्वल टू हाफ, साइन एक्स इक्वल टू वन बाई थ्री, साइन एक्स इक्वल टू वन पे फिर एक ही सॉल्यूशन आता है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन पे एक सॉल्यूशन आता है, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो साइन एक्स इक्वल टू जानबूझ के जीरो, यानी कि आपने अगर ये छोटा सा ऑप्शन गड़बड़ किया तो आपकी क्वेश्चन का जो है परिणाम आपको पता है। तो इसलिए हम जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि एग्जामिनेशन इज अ डिफरेंट आर्ट, वहां पे आपको हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा, सीखी तो आपने सर हर एक चीज है लेकिन उसको वहां अप्लाई करना पड़ेगा। तो जानबूझ किस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है कि आपको लास्ट में रखा जाए ताकि आप थोड़ा सा गड़बड़ कर दे जल्दबाजी में, तो इस चीज का ध्यान रखें, यानी मल्टीपल करेक्ट करते वक्त आपका उस समय पेशेंस लेवल जो होना चाहिए वो काफी अच्छा होना चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की। Here is our question number two. Question number two says, if the quadratic polynomial px equals p minus 3 into x square minus 2px plus 3p minus 6 is ranges from close 0 to infinity for every x belongs to R. मतलब x belongs to R के लिए इसका रेंज जो है वो क्लोज 0 से क्या है इन्फिनिटी। इस सवाल को जरूर खुद से पहले ड्रॉ करके मतलब खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, फिर ही वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है, राइट। तो अगर सही हो गया सॉल्व करने के बाद तो वेरी गुड, और नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा जो मैंने इस सॉल्यूशन में बोला है, ओके। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसका रेंज दिया हुआ है क्लोज जीरो से इंफिनिटी। तो रेंज दिया हुआ है तो यानी पी एक्स के बारे में हम क्या चाहते हैं कि पी माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस थ्री पी माइनस सिक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट। हम क्या चाहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है p माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस थ्री पी माइनस सिक्स दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये बोल रहा है कि दिस इज रेंजिंग फ्रॉम क्लोज जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां के बाद क्या होता है, जनरली बच्चे जो है इस तरह की इनइक्वालिटी बहुत सारी पहले डील कर चुके होते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सर ने बताया भी है और हम लोगों ने देखा भी है कि इस तरीके से एक केस बन जाता है और एक केस इस तरीके से बन जाता है, नहीं कि हम लोग बोलेंगे कि दो दो ग्राफ बन जाते हैं, एक इस तरह का ग्राफ बन जाता है, एक इस तरह का ग्राफ बन जाता है। तो यहां फील करना पड़ेगा आपको सही चीज को, यहां पे जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखने में आपको हो सकता हो हर बार एक जैसा लगता हो लेकिन इसके पीछे कहानी क्या बोली गई है वो जानना और वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर इट इज मेंशन्ड द रेंजेस फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी, व्हाट डज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम रेंजेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, रेंजेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी मतलब जीरो जो वैल्यू है वो रेंज में है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा एक्स रियल होगा जिसके लिए वैल्यू जीरो भी आनी चाहिए। रेंज का मतलब जैसे बोलते हैं ना कि साइन एक्स का रेंज है माइनस वन से क्लोज, माइनस क्लोज वन से क्लोज वन, माइनस टू से टू नहीं बोलते रेंज, क्योंकि रेंज हम वो वैल्यूज बोलते हैं वाई की जो एक्चुअली किसी ना किसी एक्स के लिए अचीव किया होता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि बच्चा इस चीज को मिस कर जाता है रेंजेस फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, यहां के आने के बाद ये दोनों कंडीशन लगा देता है कि भाई डी नेगेटिव है, डी इक्वल टू जीरो है इसमें, तो डी लेस देन इक्वल टू जीरो, कुछ बच्चे तो यही लगा के छोड़ देते हैं,
कुछ थोड़े समझदार भी होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कब होगा, जब एक ऐसा होगा पॉजिटिव, तो ये भी कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, जबकि ध्यान रखें कि इस बार ये गलत हो जाएगा, इस बार ये गलत हो जाएगा। आप फील करो जो मैं बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा है रेंज जीरो से इंफिनिटी होना चाहिए, यानी जीरो अचीव होना चाहिए। तो क्या इस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू उस केस में कभी जीरो होगी क्या? नहीं। आप देख सकते हो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इसकी लोएस्ट वैल्यू ही पॉजिटिव है, तो जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता ना। यानी कि अगर आपको रेंज में जीरो चाहिए, मतलब किसी ना किसी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू जीरो चाहिए, तो डेफिनेटली ये ग्राफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी लोएस्ट वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो कभी भी नहीं लेगा मेरे ख्याल से। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को फिर से सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। यानी सिर्फ यही ग्राफ बच गया, ए पॉजिटिव एंड डी इक्वल टू जीरो। ए पॉजिटिव मतलब पी ग्रेटर देन थ्री, ये लगेगा ही लगेगा, एंड डी इक्वल टू जीरो, तो डी आ जाएगा आपका फोर पी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स पी माइनस थ्री, और इनटू आ जाएगा मेरे ख्याल से थ्री पी माइनस सिक्स, चेक कर लेना, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से फोर एक कैंसिल आउट होने के बाद पी स्क्वायर माइनस, इधर देख सकते हैं आप कितना आ रहा है, थ्री पी स्क्वायर माइनस नाइन पी माइनस सिक्स पी, आप कैलकुलेट कर लेना, माइनस फिफ्टीन पी, और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका एटीन, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। So this is p square minus 3p square, that is minus 2p square, right? Plus 15p or minus 18 equal to 0. I hope this is correct. And now this will become 2p square. And this is minus 15p or plus 18 aega. So तो आप देख सकते हैं इक्वेशन इस स्टेज तक पहुंच गया है, और इसको हम लोग अब ब्रेक कैसे कर सकते हैं कि वी कैन राइट दिस एज 2p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 3p प्लस 18, एंड आई होप देयर आर टू फैक्टर्स p माइनस 6 इनटू 2p एंड दैट इज माइनस 3, सो दिस विल गिव अस p इक्वल टू 6 एंड p इक्वल टू 3 बाई। Now what happens कि अगर आपने d less than equal to 0 का पूरा कंडीशन लगाते तो आपको इसके बीच की भी वैल्यूज आपके हिसाब से आनी पड़ती, तो इसीलिए जानबूझ के देखेंगे कि ऑप्शन भी उस तरह से बनाए गए हैं कि आप क्या, कोई a greater than 0 वाला पार्ट भी अगर मिस कर जाता है और पूरी चीज लगा भी देता है, d equal to 0 भी लगा देता है, तब भी उसके पास दो ऑप्शन बैठ रहे, यानी क्वेश्चन काफी क्रिटिकल थिंकिंग चाहता है आपसे, ठीक है, और वो तभी होगा जब आप कॉन्सेप्ट में प्रिसाइज होंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ्स इज ओके अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। तो यहां से देख सकते हैं पी ग्रेटर देन थ्री के हिसाब से ओनली वैल्यू सिलेक्टेड विल बी पी इक्वल टू सिक्स। तो मल्टीपल करेक्ट में आपको सिंगल करेक्ट जानबूझ के दिया गया, क्योंकि सिंगल करेक्ट में ये सवाल दिया जाता है तो आप गेस कर लेते थे कोई एक ही आंसर होगा, और आपके एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह के सवाल जनरली अगर डालेगा भी आदमी तो मल्टीपल करेक्ट में डालेगा, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी अच्छी चाहिए। सो हियर इज आवर थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2b इनटू x प्लस 2ab माइनस 1 2a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज अनइक्वल रियल रूट्स फॉर ऑल बिलोंग्स टू R। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको करेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगा। तो अनइक्वल रूट चाहिए, और फिर उसके आगे एक और कंडीशन कह रहा है कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी की हर एक रियल वैल्यू के लिए इसके अनइक्वल रूट्स होने चाहिए, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू बतलानी है। तो सबसे पहला तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें कंडीशन क्या लगा देना चाहिए इस पे, डिस्क्रिमिनेंट के अनइक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या कंडीशन लगाना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो लेट अस अप्लाई दिस पर्टिकुलर कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट यहां से आप चेक कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ए प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 2a प्लस b माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 4 विल डेफिनेटली कैंसिल आउट, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2a माइनस b प्लस 1। अब यहां पे आके बच्चा क्या हो जाता है, बहुत बार स्टक हो जाता है कि अब इसके आगे क्या किया जाए, क्योंकि अब ए और बी में कुछ इनइक्वालिटी आ गई और हमें ए की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो यहां पर वो बच्चे क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को नोटिस नहीं करते, इस पर्टिकुलर कंडीशन को नोटिस नहीं करते। यहां कहीं ना कहीं इस चीज को ऐसे ही इंग्लिश का पार्ट या बिल्कुल लगता है कि हाँ इस तरह की चीजें लिखी रहती हैं जनरली सवालों में, उसका कोई मतलब नहीं होता ज्यादा, लेकिन यहां पे अपन समझना पड़ेगा कि हाँ इसका मतलब है, क्योंकि ये बोला है कि दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर इसके अनइक्वल रूट्स हैं तो पहली चीज ये समझ में आए कि ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और ये कंडीशन किसके लिए ट्रू होना चाहिए, दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर, दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। तो ये बी में एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी। अब अगर ये एक बी में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होगी तो उसको पहले अच्छे से लिखते हैं, फोर बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को पकड़ लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, फोर ए माइनस वन इंटू बी, ध्यान से देखिएगा, फोर ए माइनस वन इंटू बी एंड देन कम्स ए स्क्वायर राइट माइनस टू ए प्लस वन एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। अगर एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर ग्रेटर देन जीरो, तो जो ग्राफ है अब वो देख सकते हो कि एक्स एक्सिस की जगह बी एक्सिस बनेगा, और ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, यहां पे हम b की वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं और उसके क्रोस्पॉन्डिंग जो b में क्वाड्रेटिक आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अब इसका d नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहां देख सकते हो बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उससे हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, तो डिस्क्रिमिनेंट अब फिर से एक बार निकालना पड़ेगा जिसको d डैश बोल देता हूं मैं। तो ये बन जाएगा 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4 16 and this is a square minus 2a plus 1, I hope this is a minus 1 whole square and that is going to be what now less than 0। इसको आप चेक कर सकते हो, चाहो तो उसको भी अंदर ले जाओ, तो 4a minus 1 whole square and inside is 4, अंदर चला जाएगा 4a minus 4 whole square, now you can apply a square minus b square, so this is going to be a plus b that is 8a minus 5 and this is going to be this minus this, so I think 4a is gone, माइनस वन प्लस फोर इज थ्री लेस देन जीरो, आई एम गेटिंग ए लेस देन फाइव बाई एट एंड देर इज नो अदर कंडीशन ऑन ए, सो वट एवर ऑप्शन आर लेस देन फाइव बाई एट विल बी सिलेक्टेड। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट अ राइट ऑप्शन, द ओनली ऑप्शन कैन बी वॉट बी एंड सी। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल, इस तरह के सवाल जेई ऑलरेडी पूछ भी चुका है, तो आप इसको ढंग से समझ लेंगे। Here is our question number 4 guys, if ABC are rational numbers, ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो यहां पे ABC के बारे में कह रहे हैं कि पहली चीज कि they have to be what? Rational numbers, right? And satisfying this equation then which of the following can be true? तो फिर से एक बार पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है एडवांस के हिसाब से, और इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व करके फिर इसका सॉल्यूशन या आंसर जरूर देखें, ठीक है? तो हम लोग यहां देख सकते हैं क्या कि इस इक्वेशन में तीन रूट दिए हुए, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स आपको बोल रहे हैं कि द रूट्स आर व्हाट ए बी एंड सी। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन सजेस्ट क्या करता है कि हम तीन इक्वेशंस लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हिसाब से। पहली चीज कि ए प्लस बी प्लस सी नॉट ए माइनस ए, ऐसा नहीं कि ए लिखकर कैंसिल कर लें, और इधर कितना आएगा आप देख सकते हैं सम ऑफ रूट्स टू एट ए टाइम दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए and that from the equation is b, right? And third is going to be product of roots, that is a into b into c, and that is equal to what? Minus c. तो मेरे ख्याल से जो सबसे सिंपल पार्ट मुझे दिख रहा है यहां से दिख रहा है कि यहां को मैं आसानी से यहां पे मुझे जो सबसे सिंपल पार्ट दिख रहा है वो थर्ड इक्वेशन दिख रही है ए बी सी इक्वल टू माइनस सी। तो बहुत बार गलती से बच्चे c को कैंसल आउट कर देते हैं, मेरा ख्याल है कि आपको यहां पे कॉमन लेने की जरूरत है, राइट? नहीं तो एक सॉल्यूशन चला जाएगा। तो ए बी सी इक्वल टू माइनस सी, तो यू कैन राइट ए बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको लेफ्ट में ले आइए, सी को कॉमन लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा ए बी प्लस वन, यानी केस वन में हम लोग बोल रहे हैं कि सी इक्वल टू जीरो हो सकता है। केस वन में क्या बोल रहे हैं, सी इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, और केस टू में भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ए बी इक्वल्स माइनस वन हो सकता है। आई होप इट्स दिस पार्ट इज क्लियर कि केस वन और केस टू दोनों बना लिया इस इक्वेशन से, एक सी जीरो
और दूसरा ए बी प्लस वन जीरो दैट इज ए बी इक्वल टू माइनस वन, अब सी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन से तो हमने सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब ये दो इक्वेशन बचती हैं कि इससे क्या निकलता है। तो यहां सी जीरो रखोगे तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए, और यहां सी इक्वल टू जीरो रखोगे तो यहां से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी ए बी इक्वल टू बी। रख के देख लो आप, यहां से देख सकते हो कि सी जीरो रखते ही ये दोनों टर्म्स खत्म हो जाएंगे ए बी इक्वल टू बी। तो केस वन अब दिख रहा है बहुत इजी हो गया है, और हम लोग बोल सकते हैं फिर से एक बार कॉमन लेने की जरूरत है ए बी माइनस बी इक्वल टू जीरो। सो हियर इट इज बी इंटू ए माइनस वन इक्वल जीरो। तो यहां पे भी हम लोग को दिख रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है बी इक्वल टू जीरो एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ए इक्वल टू वन। अगर इस पॉसिबिलिटी में हम वर्क करते हैं तो b इक्वल टू जीरो रखोगे तो a इक्वल टू माइनस ए, b इक्वल टू जीरो। अब ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने ये जो दो इक्वेशंस थी इसको हम लोगों ने यहां लिखा था। अब यहां पे हम लोगों ने देखा कि दो ब्रांचेज आ गए b जीरो a वन, तो b जीरो रखा तो a इक्वल टू माइनस ए, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि a इक्वल टू जीरो आ गया। यानी एक सेट हो गया c इक्वल टू जीरो वाले केस में, c इक्वल टू जीरो वाले केस में क्या आ गया b0 a0, मतलब एक कलेक्ट हो गया हमारा a इक्वल टू जीरो b इक्वल टू जीरो c इक्वल टू जीरो, जो कि बहुत ट्रिवियल दिख भी रहा था आपको फ्रॉम द स्टार्ट आई थिंक। और दूसरा केस जब a इक्वल टू वन यहां रखोगे आप तो b की वैल्यू यहां से देखिएगा क्या आएगी, राइट जब a इक्वल टू वन रखिएगा तो यहां वन यहां माइनस वन, तो b की वैल्यू यहां से कितने के बराबर आ जाएगी बच्चों माइनस टू। यानी एक और सॉल्यूशन आ गया a इक्वल टू वन b इक्वल टू माइनस टू एंड c इक्वल टू जीरो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो कलेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग a b c अगर जीरो है तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो हो ही गया। अब अगर आप ये वाला ऑप्शन देखते हैं तो a इक्वल टू वन b इक्वल टू माइनस टू एंड c इक्वल टू वन, तो आई होप कि ये वाला जो ऑप्शन है ये गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गड़बड़ नहीं हो जाएगा, मतलब यहां से नहीं आ रहा, क्योंकि आप a लिखोगे तो 1 दैट इज गोइंग टू बी 5, तो मेरे ख्याल से ये वाले से तो c ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन हमारे पास ये जो दो ऑप्शन थे a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला एंड a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी क्यू वाला, ये दोनों ऑप्शन यहां से अचीव हो चुका है और ये दोनों सही है। तो आगे चलते हैं हम लोग अब केस टू को देखते हैं जब ए बी इक्वल टू माइनस वन है, तो देखते हैं ये इक्वेशंस किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हैं, क्योंकि सी इक्वल टू जीरो वाले केस को हम लोगों ने देख लिया है, राइट। तो ए बी इक्वल टू माइनस वन अगर रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहली इक्वेशन बची ए प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ए, और दूसरी इक्वेशन ए बी इक्वल टू यहां माइनस वन रख दे रहा हूं मैं, देन दिस इज प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू बी। तो अब इस इक्वेशंस को कैसे मैनिपुलेट करें कि हम अपने आंसर्स तक पहुंचे, तो मुझे ये जो दो इक्वेशंस दिख रही हैं उसमें बहुत इजीली दिख रहा है कि सी को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से सी क्या आएगा बच्चों, यहां से सी आ जाएगा आपका माइनस टू ए माइनस बी, और अगर यहां से सी माइनस टू ए माइनस बी आ गया तो यहां पर देख सकते हैं माइनस वन प्लस, और यहां से सी कॉमन हो जाएगा दैट इज ए प्लस बी इंटू सी, और c की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं माइनस टू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा बच्चों b। आप देख लो ध्यान से, तो अब यहां पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज माइनस वन प्लस, ये आपको क्लियर हो गया होगा c इज कॉमन एंड a प्लस बी यहां पे आया और c हमने इस वाली इक्वेशन से रख दिया है, राइट। यहां पे क्या आएगा बच्चों माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस ए बी इज माइनस थ्री ए बी एंड देन कम्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब यहां पे भी हम ए बी इक्वल टू माइनस वन का यूज तो कर ही सकते हैं, तो अगर ए बी इक्वल टू माइनस वन का अगर आप यहां पे यूज कर रहे हैं बच्चों तो यहां पे ये इक्वेशन जो है बन जाएगी आपकी माइनस वन माइनस टू ए स्क्वायर एंड देन कम्स माइनस थ्री ए बी, तो इसको अपन लिख सकते हैं प्लस थ्री माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी। अब यहां पे एक निर्णय और लेना पड़ेगा, आपको एक सिंगल इक्वेशन में इसको बदलना पड़ेगा, और उस सिंगल इक्वेशन में बदलने के लिए यहां से हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। तो हम a इक्वल टू यहां रख सकते हैं माइनस वन अपॉन बी दोस्त, तो ये थ्री माइनस वन होंगे टू माइनस टू और ए स्क्वायर, तो b इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू माइनस वन बाई बी, तो दिस विल बिकम वन अपॉन बी स्क्वायर
एंड देन इट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3 - 1 इज गोइंग टू बी 2, एंड -2a² इज 2 / 1, 2 × 1/b² एंड दिस -b² कैन गो ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम b² + b. नाउ व्हाट यू कैन सी इज कि 2 इज कॉमन एंड द एलसीएम इज b² - 1/b² एंड दैट इज इक्वल टू b × b + 1. What you can see from here that one of the b plus 1 factor is on both sides, and if b plus 1 factor is on both sides, so we can write b equals minus 1, one of the values of b. You can see b equal to minus 1 is one of the values of b. Now you can see if b is equal to minus 1, what is the value of a? 1. And of course, when you will calculate c, you can calculate c from this equation. So this is 1 and minus 1, so this part is 0, and this c is going to be minus of a, so c is going to be what? Again minus of 1. And now we can see if for this choice of a, b and c, you can see that a plus b square, that is b square is 2, b square is 1, so 1 plus 1, 2 minus 1, that is c is also an option. So I hope it is clear ki all the options a, b and c are there. देर कैन बी ए क्वेश्चन कि इसके बाद जो बचा हुआ है सर उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए भी आप चाहो तो काम कर सकते हो, लेकिन वहां से कोई वैल्यू आएगी नहीं और कोई ऑप्शन वैसे बचा हुआ नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको ये करके दिखा दूं मैं, ठीक है ना. कैसे करके देख सकते हैं, देखिए ध्यान से, दिस इज गोइंग टू बी 2 एंड b प्लस 1 वी हैव टेकन कॉमन एंड यू हैव गॉट b इक्वल टू माइनस 1, वन ऑफ द वैल्यूज, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, b माइनस 1 whole upon b square equal to b. So this is going to be what, b cube, and this is going to be minus 2b and plus 2. You can see this is going to be b cube and minus 2b, and this minus 2 is going to be on that side, that is going to be what, plus 2, right? And you can make a graph and you can see that there is no rational values of b from this particular expression. And there, from there you can see that we can discard this particular part of the equation, right? So we are getting all the three options as correct, a, b and c. Next is question number 5. You can see, okay, let x, y and z be a real numbers such that x plus y plus z equal to 0 and x, y plus y, z plus z, z, x equals minus 3. Then you have to find the value, yeah, rather saying, then the value of this is greater than, there are four particular options, right? तो फिर से हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा. तो बहुत बार क्या होता है, इस सवाल में पर्टिकुलर अप्रोच ही क्लिक नहीं करता है कि व्हाट अप्रोच वी मस्ट टेक, हाउ शुड वी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम, राइट. तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज बतलाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप यहां पे ये दो इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये दो इक्वेशन को देख के आपको तुरंत फील आएगी कि सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स 2 एट ए टाइम लिखा हुआ है, यानी कि एक क्यूबिक आप लिख सकते हैं जिसमें आपको ये पता है ये पता है. हम एक्स वाई जी की जो वैल्यू है उसको मान लेते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, लैम्डा सपोज कर लेते हैं. तो आपके पास पता है कि एस वन इज 0, एस वन इज सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, S2 sum of roots 2 at a time is minus 3, and sum of roots 3 at a time, rather you can say product, is going to be what, lambda. So what is that cubic? T cube minus S1 into T square plus, but S2 is minus 3, so this is going to be minus 3T, and that is going to be what, minus lambda equal to 0. So I can see equation T cube minus 3T minus lambda equal to 0, whose roots are x, y and z. अब यहां पे भी आने के बाद बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, स्टक हो जाते हैं, राइट. तो यहां पे हम लोग एक अप्रोच आपको बतला रहे हैं कि यहां पे देख सकते हैं आपको x cube y टाइप का टर्म जनरेट करना है. तो x cube y टाइप का टर्म जनरेट करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि अगर हम इसमें x रख दें तो x cube टाइप का टर्म जनरेट हो जाएगा, और फिर उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x cube y टाइप का टर्म जनरेट हो जाएगा. सो आई एम पुटिंग x, y एंड z इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, and I will get x cube minus 3x minus lambda equal to 0. And you have to create x cube y. So I am multiplying simultaneously by y also. So this is x cube y minus 3xy and minus lambda y. क्या किया इसमें?
y से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, y से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे ही y इसका रूट है तो फिर से आ जाएगा, और यहां के बाद आप देख सकते हो y क्यूब के साथ मेरे ख्याल से z है तो y क्यूब z, और ये इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन आपके पास डेवलप हो जाएगी। और फिर लास्ट में ये भी रूट है तो z z क्यूब माइनस 3z माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, एंड दिस विल गिव अस मल्टीप्लाई दिस बाय टर्म x, सो दिस इज गोइंग टू बी z क्यूब x माइनस 3zx माइनस लैम्डा x इक्वल टू जीरो। अब आपको दिख रहा है कि इन तीनों का सम चाहिए, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एड ऑल द थ्री इक्वेशन राइट। तो जब मैं इसको एड करूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं एड करने के बाद, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब जेड प्लस जेड क्यूब एक्स, एंड देन इज गोइंग टू बी माइनस थ्री टाइम्स, ध्यान से देख लीजिएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्योंकि माइनस थ्री कॉमन हो जाएगा और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज अगेन गोइंग टू बी माइनस थ्री, तो मैं यहां डायरेक्टली माइनस थ्री लिख दे रहा हूं। और यहां लैम्डा कॉमन लेने के बाद माइनस लैम्डा टाइम्स आएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो वो कितने के बराबर दिया हुआ है इक्वेशन में दैट इज जीरो। सो यहां से आपको बहुत इजीली ये वैल्यू निकल रही है, किसके बराबर आ रही है वैल्यू, माइनस नाइन। और बहुत सारे बच्चे यहां पे निकालने के बाद भी गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि यहां तक पहुंच भी गए उसके बाद भी गलती कर दिया, सीधा माइनस नाइन टिक कर दिया, क्वेश्चन नहीं पड़ा। और इस तरह के भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में अपीयर होते हैं कि इस ग्रेटर देन लिख दिया और हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि ये जो माइनस नाइन है दिस इज ग्रेटर देन, इज माइनस नाइन ग्रेटर देन माइनस टू, नो, माइनस टू इज ग्रेटर देन माइनस नाइन राइट, माइनस नाइन ग्रेटर देन माइनस नाइन नो, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसको टिक कर देते हैं। फिर इसके बाद माइनस टेन, तो माइनस नाइन इज ग्रेटर देन माइनस टेन, एंड माइनस नाइन इज ऑल्सो ग्रेटर देन वॉट, माइनस इलेवन। सो करेक्ट आंसर आर गोइंग टू बी सी एंड डी। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन सब पर्टिकुलर केसेस में राइट। तो ये आपके लिए मल्टीपल करेक्ट के कुछ पांच सवाल मैंने अभी करवाए हैं, फिर आगे इंटीजर टाइप और इस तरह के भी हम क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि इस तरह के जितनी भी अच्छे अच्छे वीडियोस या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो है उसका आप लाभ उठा पाएं, और बाकी बच्चों को भी इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।